असलम स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट दी ग्रामर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी नाउन एंड इट्स काइंड्स और टाइप्स फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट दी नाउन व्हाट इज़ नाउन नाउन इज़ द नेम ऑफ़ पर्सन प्लेस और थिंग यानी कि नाउन क्या होता है किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम है फॉर एग्जांपल अली अली इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन कुजात कुजरात इज़ द नेम ऑफ अ place and chair, chair is the name of a thing. so all these are noun. now we will discuss the kinds of noun one by one. common noun, common noun is the common name of a person, place or thing. for example, yani ये ये common name होता है, वो सारी चीजें होंगी उनका एक ही नाम होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम common noun यानी कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा फॉर एग्जांपल टीचर तो टीचर आप जानते हैं कि इससे हमें नहीं पता चलता कि कौन से टीचर की बात की जा रही है ये तो जो जो पर्सन स्कूल में पढ़ाता है या कहीं भी टीच करता है तो उसे हम क्या कहते हैं टीचर तो सो so, ये स्पेसिफिक किसी पर्सन को रिप्रजेंट नहीं कर रहा तो दैट्स वाई इट इज़ अ कामन नाउ कंट्री बहुत से ममालिक हैं ये भी किसी स्पेसिफिक प्लेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा दैन इट इज़ अ कामन नाउन सिटी बहुत से शहर होते हैं तो इस वजह से ये भी किसी स्पेसिफिक uh, किसी स्पेसिफिक सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा दैन इट इज़ अ कामन नाउन दैन वी विल सी प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन इज़ द पर्टिकुलर नेम फॉर अ पर्सन प्लेस और थिंग यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है किसी भी खास चीज़ जगह का नाम क्या होता है प्रॉपर नाउन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी मुतज़ा मुर्तज़ा मुर्तज़ा क्या कर रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रजेंट कर रहा है दैन इट इज़ अ प्रॉपर नाउ पाकिस्तान पाकिस्तान रिप्रजेंट कर रहा है क्योंकि ये एक ही कंट्री है पाकिस्तान और तो कोई नहीं है पाकिस्तान का नाम लेंगे तो पता चलेगा किस कंट्री के बारे में बात हो रही है दैन इट इज़ अ प्रॉपर नाउ लाहौर लाहौर इज़ दी नेम ऑफ अ सिटी सो इट टू रिप्रजेंट दिस स्पेसिफ़िक सिटी दैन इट इज़ अ प्रॉपर नाउ नाव कोलेक्टिव नाव क्लेक्टिव नाउन इज़ ग्रुप और कुलशन ऑफ नाउन यानी कि नाउन जो हैं वो उन ग्रुप बनाने या कुलेक्ट हो के एक नाउन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं कुलेक्टिव नाउन फॉर एग्ज़ाम्पल टीम अब टीम देखें तो इसमें ज़्यादा से इंसान शख्स जो है वो मिल के एक टीम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन यानी सब ने कलेक्ट हो के कलेक्शन बना के या एक ग्रुप बना के नाउन ने एक टीम बनाई तो उसे हम क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन जैसे क्रिकेट टीम है क्रिकेट टीम में कितने पर्सनस होते हैं एलेवन पर्सन दैन कितने नाउंस हैं एलेवन नाउन तो इनने मिलकर एक क्या बना दी टीम तो इसे हम क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन फ्लॉक फ्लॉक पिंदु का एक झुंड होता है यानी पिंदु का एक ग्रुप होता है तो इसे ये भी, भी क्या होगा कलेक्टिव नाउन हर्ड शेप्स यानी बेड़ों का एक ग्रुप होता है इसे कहते हैं हर्ड देन इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी अपट्रैक्ट नाउन अपस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी आइडिया और फीलिंग एंड वी कैन नॉट सी हेयर स्मेल टेस्ट और टच एंड हैव नो फिज़िकल एग्जिटेंस एंड कैन ओनली फील और थिंक ऑफ यानी कि ये क्या है अपस्टेक्ट नाउन ये किसी क्वालिटी आइडिया या फीलिंग का नाम है इसे हम ना देख सकते हैं सुन सकते हैं ना स्मेल कर सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं और इसकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जाहिर सी बात है फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये सब सेंसेस जो हैं ये, ये यूज़ नहीं होती उसके अलावा हम या तो इसे सोच सकते हैं या इसे फील कर सकते हैं जैसे विजडम किसी की अक्लमंदी है तो वो हम फील कर सकते हैं कि ये अक्लमंद है ठीक है काइंडनेस फ्रीडम ब्रेव सारो ब्यूटी लव हेट ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये हम फील कर सकते हैं या क्वालिटीज़ हैं काइंडनेस और विजडम ये हम फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं इसे हम देख नहीं सकते नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंक्रीट नाउन इट इज़ अपोजिट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन Concrete noun have physical existence and can see, hear, smell, taste or touch. यानी कि ये इसकी ये फिजिकल existence इस आ, होती है इसकी और इसको हम ज़ाहिर बात है अगर फिज़िकल एग्जिस्टेंस होगी तो इसे हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं smell भी कर सकते हैं taste भी कर सकते हैं और touch भी कर सकते हैं For example noise, शोर शोर को हम सुन सकते हैं building, building को हम देख सकते हैं rainbow, रेन rain को rainbow को भी हम देख सकते हैं सो ऑल दीज आर कंक्रीट नाउ कंपाउंड नाउन आर नाउन फॉर्म बाई एडिंग टू आर मोर वर्ड्स ऐसा नाउन जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने से बने उसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड नाउन फॉर एग्जाम्पल सन एक नाउन है लाइट सेकेंड नाउन है तो इन दोनों दो नाउंस ने या दो वर्ड्स ने मिलकर क्या बना दिया एक नाउन बना दिया सन लाइट जिसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन अर्थ कोएक इन दो वर्ड्स ने मिलके एक नाउन को बना दिया और कोक तो ये क्या बन गया कंपाउंड नाउन मदर इन ला यानी कि ये थर्ड थ्री वर्ड्स हैं जिन्होंने मिलके क्या बना दिया एक कंपाउंड नाउन नाउ मटीरियल नाउन मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटीरियल यानी कि ये किसी सब्सटेंस या मटीरियल का नाम है फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है वुड वाटर गोल्ड सिल्वर आयरन कॉपर जिंक जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी और पढ़ भी चुके हैं कुछ और कुछ स्टूडेंट पढ़ेंगे के कॉपर जिंक सबसानस ये सारे क्या हैं केमिस्ट्री के सबसांस होते हैं तो सबसानस और मटेरियल का जो भी नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन ऑल दी नाउन्स विच कैन बी काउंटिड यानी काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल्स आप देखें अपने एक क्लास रूम में ही अगर जितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं तो वो क्या है काउंटेबल एक ही क्लास रूम में जो चेयर्स पड़ी हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं तो वो क्या है काउंटेबल बॉल्स पेन्स एक्सेट्रा अनकाउंटेबल नाउन ऑल नाउन्स विच कैन नाट बी काउंटेड यानी कि वो तमाम नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल हेयर आपके सर पर जो बाल हैं वो उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते वाटर मिल्क स्टार्स एक्सेस्ट्रा आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी नाउ स्टूडेंट्स राइड डाउन दि दिस लेक्चर इन योर नोट बुक्स and homework is that write the five examples of each kind of noun and uh, submit your notebooks on saturday then i will check okay allah hafiz